फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वापस आपको लेके आए हैं हमने ब्लॉग पे। ये कुछ पेड़ हैं हमारे जो स्ट्रेस नहीं निकले अभी तक। देख सकते हैं सूखने के कगार पर है ये पेड़। ये डिलीशियस है किंग रॉट। काफी हार्ड होने के लग चुके हैं। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये पेड़ सर्वाइव ना करे। कुछ पेड़ काफी लेट हैं, स्ट्रेस से नहीं निकले अभी तक बाहर। ये भी काफी लेट था पर इसमें अब ग्रोथ देख सकते हैं। एक पेड़ हमारा ये है, आप देख सकते हैं। इसमें हुआ दरअसल ये कि जो आगे से वुड थी वो सिकुड़ती हुई आ गई ब्रांचेस, देख सकते हो बिल्कुल ही सूखने की कगार पर है। ये भी डिलीशियस ही है M9 किंग रॉट। ये दूसरा पेड़ है हमारा सूखने के कगार पर। हालांकि जो ब्रांच यूनियन होता है वो कभी, रूट जिसे कहते हैं, वो कभी नहीं मरता है। उसमें काफी लेट हो जा रही है। ये हमारी गाला की लाइन है। ये डिलीशियस की दो पेड़ तो हमारे निचले प्लॉट पे हैं जो सूख चुके हैं या सूखने की कगार पे आप बोल सकते हो। इसमें से एक तो कंफर्म है, एक पे फिलहाल डाउट है। इसमें भी देख सकते हैं एक पेड़ ये है। ये भी डिलीशियस हमने किंग रॉट, इसका भी कह नहीं सकते हैं सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। और चौथा पेड़ हमारा ये है, बिल्कुल ही सूख चुकी थी इसकी जो वुड है तो हमने कटिंग करके निकाल दी। यहाँ तक सूखी हुई थी। एक ये पेड़ भी था काफी स्ट्रेस में, हालांकि इसमें आप ग्रोथ अब देख सकते हो, ये सरवाइव कर चुका है।
चार ही पेड़ हुए हैं। एक पेड़ हमारा ये भी था, हालांकि ये भी सर्वाइव कर चुका है, आप देख सकते हो ग्रोथ इसमें। और ये हमारा पांचवा पेड़ हम इसे बोलेंगे, हालांकि ये अभी सेस से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये हमारा पांचवा पेड़ है, हम इसको लिस्ट में नहीं ले सकते बिकॉज ये अभी डाउट नहीं है। ये भी स्टेज से बाहर निकल चुका है। ये भी सर्वाइव कर चुका है। एक हमारा मेमा गाला का पेड़ भी सूखा हुआ है, इस सूखने के कारण पे ये हमारा मेमा गाला का पेड़ है। ये फर्स्ट ही पेड़ है रो का मेमा गाला का, हालांकि इससे आगे भी मेमा गाला के पेड़ आप देख सकते हो, सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो इसमें कह नहीं सकते कंप्लेंट की वजह से। ये सभी मेमा गाला है, फ्रूट सेट देख सकते हो इसमें। ये हमारी डिलीशियस की रो है। ये अगेन स्नीको गाला, फ्रेंड्स ये 300 पेड़ की प्लांटेशन थी जिसमें हमें अभी तक चार पेड़ कन्फर्म है। सबके सभी पर अच्छे से सरवाइव हो चुके हैं, हालांकि मैं आपको दिखा दूं एक पेड़ और है, देख सकते हैं इस टच से बाहर नहीं निकल पाया है। जो भी इसकी डेडवुड हो चुकी थी, इस लकड़ी सूख चुकी थी, हमने इसकी कटिंग कर दी। इसकी जो प्रॉब्लम है सूखने की, हम इसे हमने सब मार्क करा था, जिस जितने भी पेड़ थे इम्पोर्टेड, सभी के सारे पेड़ इम्पोर्टेड है। इसमें जिसमें भी रूट कम थी, जड़ें कम थी, उसमें हमने मार्क कर रखा था पेंट से, और ये मैक्सिमम पेड़ वही है जिसमें रूट कम थी। और ये एक ये ही रीज़न हो सकता है पेड़ों का सूखने का या सरवाइव ना करने का, जितने भी इम्पोर्टेड पेड़ हैं रूट की प्रॉब्लम की वजह से।
रूट कम होने की वजह से ये पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाए। हालांकि इसमें हमने दवाइयां डाली हुई थी, इसके बावजूद भी ये हमारी लिस्ट का 5-6 पेड़ है। हालांकि अभी इसका कह नहीं सकते हैं कि ये सर्वाइव करेगा, हम इसे लिस्ट में ले लेते हैं। तो 5 पेड़ हैं गाइस ये 300 पेड़ में से, तो ये अप्रॉक्स 1.3% बैठती है।